शाम के 6 बज रहे हैं, वक्त हो गया एबीपी न्यूज के चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शो शुरू करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर बड़ी जानकारी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह चंडीगढ़ में है। खुद परमबीर सिंह ने यह जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। परमबीर सिंह ने यह भी कहा है कि कोर्ट के आदेश अनुसार वो आगे का कदम उठाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, परमबीर सिंह जो फरार चल रहे थे, अब खुद जानकारी अपने बारे में दे रहे हैं कि चंडीगढ़ में हैं, कोर्ट के निर्देश अनुसार कदम उठाएंगे, इसका मतलब क्या है? जी रोमाना, जिस तरह से उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हुए थे, वसूली के मामले थे, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था, एंजेलिया कांड में कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आ रहा था, जिसके बाद से ही वो कहाँ थे किसी को कुछ पता नहीं। बीच में ऐसे भी कयास लगाए गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये बयान भी दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद देश छोड़कर विदेश में चले गए हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलती है, वैसे ही उनकी असली लोकेशन के बारे में पता चलता है। एबीपी न्यूज ने उन्हें संपर्क किया, संपर्क करने के बाद उनसे पता चला, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिलहाल चंडीगढ़ में है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, उस आदेश के हिसाब से अगला कदम उठाएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहां तो ये कहा जा रहा था कि परमबीर सिंह देश में है ही नहीं, देश छोड़कर वो फरार हो चुके हैं, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज पर ये जानकारी खुद परमबीर सिंह ने दी है कि वो देश में ही हैं, चंडीगढ़ में हैं वो इस वक्त, और कोर्ट के निर्देश अनुसार अपना अगला कदम वो उठाएंगे। और आइए अब शुरू करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सिलसिला, जिसमें आज का मुद्दा क्या अखिलेश का गठजोड़ यूपी में योगी का तोड़ है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल पर आज एक और छोटी पार्टी सवार हुई और वो है अपना दल के। उस साइकिल पर आम आदमी पार्टी भी बैठने को आतुर नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल से अखिलेश यादव का गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। तो क्या अखिलेश का ये चुनावी चक्रव्यूह योगी की घेराबंदी कर पाएगा, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, शुरुआत रिपोर्ट के साथ। पहले अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी बनी, फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में बात पक्की हुई और अब अखिलेश और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की मुलाकात हुई। इस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा चुनावी चक्रव्यूह रच दिया है, जिसका हिस्सा हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और अब आम आदमी पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। आज जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का शासन है, जिसमें गुंडाराज है, जिसमें कुशासन है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आज माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, किसान त्राही त्राही कर रहा है, उसको उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज बातचीत हुई है। आज बातचीत हुई है और एक सार्थक शुरुआत अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत की हुई है। अगर प्राथमिकता है तो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी जा रही है सपा के साथ? अब वो जब उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा तो जरूर बताऊंगा, बस मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस दिशा में एक बातचीत की शुरुआत हुई। आखिर अखिलेश यादव को इस बार छोटे दलों से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सिर्फ जातीय गोलबंदी के लिए गठबंधन है, या अखिलेश और उनकी पार्टी में योगी और बीजेपी की चुनौती का अकेले मुकाबला करने का दमखम नहीं है? आखिर विपक्षी पार्टियों का ये चक्रव्यूह रचकर अखिलेश यादव क्या हासिल कर लेंगे? क्या वो चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की तगड़ी घेराबंदी कर पाएंगे? क्या वो यूपी चुनाव में योगी और बीजेपी को हरा पाएंगे? और आइए अब जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अजीज खान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के नेता, आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अजीज खान साहब,
क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में अपने दम पर योगी को हराने की हिम्मत नहीं, इसीलिए ये गठबंधन जो बनाए चले जा रहे हैं सर? देखिए रोमाना जी, गठबंधन बनाने का मतलब ये नहीं है कि अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। देखिए आज समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता से गठबंधन है, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ऊब चुकी है। जो 4.5 साल पहले माननीय योगी जी और मोदी जी ने वायदा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, जनता को वो चीजें नहीं दी। जनता सर, अगर समाजवादी पार्टी का जनता से गठबंधन है तो फिर ये छोटे छोटे दलों को गठबंधन में शामिल करके अपने गठबंधन का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर तो सीधे जनता आपको वोट दे देगी, फिर ये जाति आधारित पार्टियों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? देखिए एक बात रोमाना जी समझिए, ये हमारे विचारधारा के लोग हैं और ये दलित वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी शख्स ऐसी लड़ाई लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा होगा। आज समाजवादी पार्टी के साथ जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है कि जिस तरीके से लोग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था चरम स्थिति पे है, जो भी शख्स इसकी लड़ाई लड़ेगा, जनता की लड़ाई लड़ेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ में। तो फिर तो समाजवादी पार्टी, फिर तो शांतनु गुप्ता, समाजवादी पार्टी की ये गठबंधन की ताकत योगी की मुश्किल बढ़ाएगी? ढाई महीने से अखिलेश यादव को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, उनका हर ट्वीट, उनका हर फेसबुक पेज का पोस्ट देखता हूँ। लेकिन दो ढाई महीने पहले वो बहुत उत्साहित लग रहे थे, उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था हम 400 सीटें जीतेंगे, वो इतने उत्साह में थे कि 400 सीटें जीतने वाले थे। लेकिन उसके बाद से सिग्नल, जब वो पहली बार 4.5 साल में पहली बार तो निकले हैं वो ढंग से, जब वो निकले तो उनको कुछ और ही पता लगा। तो जब उन्होंने जिस दिन पहली बार जिन्ना का कमेंट दिया तो मुझे लग गया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, बस मुझे मुस्लिम वोट बैंक करके मैं ठीक से सेकंड आ जाऊं, उतने पर की लड़ाई बची है। फिर उन्होंने सिग्नल देने शुरू कर दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर अभी धीरे धीरे पता लगा कि वो राजभर की पार्टी के साथ जा रहे हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो शिवपाल यादव जी को वापस ले रहे हैं, वो अपना दल के साथ जा रहे हैं, अब पता लग रहा है अभी राजभर जी ने कहा कि ओवासी को भी शायद मिला लेंगे, 10-15 सीट देके ओवासी को भी मिला लेंगे। तो अब जब वो फील्ड में गए तो उनको लगा कि भाई मेरे पास तो टिकट देने को नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है छोटी छोटी पार्टी करके 200 सीटों पे अखिलेश, 200-250 पे अखिलेश चलेंगे, बाकी 100-150 पे छोटी 40 सीट तो सुना है केवल आरएलडी ले जा रही है, ठीक है, साथ में उनको डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से डेस्टिनेशन नजर आ रही है। मुझे लगता है सुधींद्र भदौरिया जी का एक रिएक्शन यहां पर लेना चाहिए हमें। सुधींद्र भदौरिया जी, तो फिर ये गठबंधन का दायरा जो अखिलेश बढ़ा रहे हैं, इससे अखिलेश यादव की आने वाले समय में ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, या आज की तारीख में अखिलेश की कमजोरी ये ज़्यादा साबित हो रही है? देखिए इसका उत्तर वो स्वयं दें तो वो ज्यादा अच्छा, पर आपको उत्तर प्रदेश के अतीत के चुनाव हैं, उससे देखना होगा कि क्या ये पहली बार गठबंधन कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कई गठबंधन किए हैं, और जैसा मैं अभी सुन रहा था, और उन गठबंधनों के अंदर उनकी क्या हालत हुई ये भी पूरे प्रदेश ने भी देखा, देश ने भी देखा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से भी गठबंधन किए, छोटी पार्टियों से भी, व्यक्तियों से भी गठबंधन किए, और बड़े कद्दावर लोगों से भी गठबंधन किए। इन्होंने, इनके नेता श्री मुलायम सिंह जी ने, कल्याण सिंह जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक गलत एफिडेविट दिया था और बाबरी मस्जिद गिरवाई थी, उनके साथ भी उनको लाल टोपी पहनाई आगरा के अंदर, और कहा कि ये सबसे बड़े समाजवादी हैं। साक्षी महाराज जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले हथौड़ा चलाया था, उनको राज्यसभा भेजा और कहा कि ये भी महान समाजवादी हैं। तो ये सत्ता की भूख सर, दूर क्यों जाना? अभी 2019 में तो इन्होंने आपकी पार्टी, आपके नेता से भी गठबंधन किया था ना, मायावती ने भी हाथ मिलाया था इनके साथ, ये दूर क्यों जाना सर? कहां आप कल्याण सिंह और साक्षी महाराज पर पहुंचे हैं? अभी आपके साथ भी तो गठबंधन किया था, आप लोगों ने भी हाथ मिलाया था सर। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे साथ का जला छाछ को भी ऊपर पीता है, क्या इसी वजह से इस बार बीएसपी गठबंधन में नहीं जा रही है क्या? और मैं उस पर आ रहा हूँ रुमाना जी, एक लाइन में अपनी बात पे कहने दीजिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। हमारे साथ भी गठबंधन किया, इनको वोट मिले 20%, हमको भी वोट मिले 20%, तो हम इनके बराबर की ताकत है। अब ये जो 1-1.5% वालों से ये सोच रहे हैं सरकार बन जाएगी, तब नहीं हम ये जीत पाए, और ना कांग्रेस के साथ मिलके जीत पाए, ना उसके पहले जीत पाए, अकेले जीते थे तब, हमारी सरकार थी उस समय, लोगों ने विकल्प के तौर पर सोचा। अब तमाम लोगों को लेके भी ये नहीं जीतने वाले हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके मिलने में कोई कार्यक्रम की घोषणा नहीं हो रही है। ठीक है, मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं?
ना किसानों की बात कर रहे हैं, ना बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं, ना महिलाओं की बात कर रहे हैं, ना किसी अन्य प्रताड़ित लोगों की बात कर रहे हैं। क्या हमें सत्ता चाहिए? सत्ता के लिए नहीं, लोग जनता तैयार है। ओके सर, ओके सर, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक सवाल अभिज्ञान प्रकाश से। अभिज्ञान जी, अखिलेश जिस तरीके से गठबंधन का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, इससे अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर ये अखिलेश यादव की अपनी कमजोरी ज्यादा दिखा रहा है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव की ताकत से इसमें संभावनाएं हैं बढ़ने की। अखिलेश यादव इसेंशियली वो कर रहे हैं, और मैंने पहले भी इसका कई बार जिक्र किया है, कि छोटी पार्टियों की अलायंसेस को एक बड़े अम्ब्रेला के तहत वो स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉर्मूला उनका नहीं है। ये 2014 से जो बहुत बड़ी सक्सेस भारतीय जनता पार्टी ने पाई है, ये फॉर्मूला अमित शाह से निकल कर आया है और बीजेपी ने खासा इसका फायदा लिया है। तो मैं पहले भी इसको कह चुका हूं और इस बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक तरह से उस फॉर्मूले को अपने लिए रिपीट करना चाहते हैं अखिलेश यादव। साथ में ये रियलिटी है कि बड़ी पार्टी के अलायंसेस उनके लिए क्लिक नहीं किए हैं। तो बीजेपी की अगर आप सक्सेस ग्राफ को देखें, जो कि फिनोमिनल है, 14, 17, 19 तीनों को मिलाकर आप देखें, तो बहुत बुद्धिमानी के साथ बीजेपी ने इन गठबंधनों को किया था। अब अखिलेश की कोशिश ये है कि वो उसको अपने लिए रिपीट कर ले, क्योंकि बड़ी पार्टी अलायंसेस जो है वो अखिलेश यादव के लिए क्लिक नहीं कर पाई, चाहे वो मायावती के साथ रही हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ रही हो। सर, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए अभी जो रणनीति समझ में आ रही है समाजवादी पार्टी की, कि मुस्लिम यादव वोट वो मानकर चल रही है उसका अपना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अगर अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो अब वो क्षेत्र के हिसाब से जहां पर जो जाति ज्यादा प्रभाव रखती है उनके नेताओं के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम देखते हैं, वहां पर जयंत चौधरी सामने आ जाते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अपना दल के साथ भी अखिलेश का ये गठबंधन। तो ऐसे में शांतनु गुप्ता, जिस बात का जिक्र अभिज्ञान प्रकाश कर रहे थे कि साहब ये फॉर्मूला हिट फॉर्मूला है, क्योंकि 2014-2017 बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर चलकर कि छोटे छोटे दलों के साथ आप गठबंधन कर लो सत्ता हासिल की है, तो मतलब बीजेपी की तरह डाल डाल पात पात वाली हिसाब से ये तो बराबरी की टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव योगी को। जब भी अखिलेश यादव ने या बसपा ने उत्तर प्रदेश में दो ही बार 5 साल की सरकारें बनी है पिछले 70 साल में, एक बार अखिलेश ने बनाई, एक बार मायावती जी ने बनाई, दोनों बार इन दोनों पार्टियों का वोट शेयर 30% था। मतलब ये पीक है इनकी, जब सब कुछ इनके लिए अच्छा चलता है, जब इनको अपना हर तरह का वोट मिलता है, जब ये बहुमत पा पाते हैं विधानसभा में, तो 30% वोट इनका मैक्सिमम। भाजपा ने गेम को अप कर दिया है। 2014 से भाजपा 40, 42 और 50 तक पहुंच गई। 2019 में वोट 50 टच कर गया था अपना दल के साथ। तो अब ये लोग अब, और जैसे भदौरिया जी ने कहा, बसपा सपा कहाँ खड़े हैं, 20-22 पे खड़े हैं। तो 20-22 से ये 1-1.5% वाले दल को लेके जयंत चौधरी को 17 के चुनाव में 1.78% वोट मिला। एक सीट आई, वो भी बाद में भाजपा में चला गया। 2019 में 1.69 एक भी सीट नहीं आई, अजीत सिंह, जयंत सिंह दोनों हार गए, ठीक है, मथुरा की सीट भी हार गए। तो ऐसी पार्टियों को 1-1.5% की शायद ये पहुंच जाए, ये 22 से 23 पहुंच जाए, 24 पहुंच जाए, 25 पहुंच जाए, लेकिन भाजपा जिसने गेम इतनी अप कर दी है यूपी में, जो 40-44% पे पहुंच गई है, उसके आप पास पाना भी तभी मैं कह रहा हूं डेस्परेशन लग रहा है। जिन्ना का कमेंट, मुख्तार अंसारी को टिकट देना, झूठ बोलना कि ओवासी की पार्टी आ रही है। अभी दूसरे चैनल में था, वहां AIM के लोग कह रहे हैं हमसे तो बात ही नहीं हुई, बस चैनल पे फीलर्स दे रहे हैं। तो ये फीलर वाली राजनीति मुझे तो अखिलेश बहुत डेस्परेट लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब आपने जो बात कही है, मैं अजीज खान साहब के पास चलती हूँ लेकर दर्शकों को दोबारा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अजीज साहब, आपने सबको सुन लिया, आपने शांतनु को भी सुना, आपने सुधींद्र जी को भी सुना। अच्छा, ये बात हम सब जानते हैं सर कि बॉलीवुड, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिल्मों का शौक सभी को होता है भाई, जो फ्लॉप पिक्चरें होती है ना उनके सीक्वल नहीं बनते, सीक्वल हमेशा हिट पिक्चरों के बनते हैं। तो ये दो लड़के, ये फिल्म तो 2017 में ही फ्लॉप हो गई थी, गठबंधन वाली फिल्म जो है वो 2019 में भी दोबारा उसका डब्बा नहीं खुल पाया, आप फिर से सीक्वल ले आए दो लड़कों वाला, फिर से आप गठबंधन का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, इस बार कैसे हिट हो जाएगा सर ये? देखिए रोमाना जी, पहले मैं दो सवालों का जवाब दे दूं। एक तो सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए 3 बार इन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया,
बीजेपी लगातार झूठ बोलती है और झूठ बोलने वाली पार्टी है, उसका करेक्टर है, और उससे कहीं ना कहीं ये प्रेरित है, ये भी झूठ बोलने के आदि होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं साहब, किसानों की कौन लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की कौन लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई पे कौन बात कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर करके लगातार संघर्ष कर रही है, एक बात। दूसरी बात, मैं शांतनु गुप्ता जी की बात करना चाहूंगा साहब, इनका फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से पूर्वांचल पे अभी हमारा रथ चला, एक ही रात रथ चला है, एक रात में जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से इनके बड़े नेताओं के चेहरे पर बल आ गया, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, आपके अमित शाह जी हो, जिस तरीके से उन्होंने कैंप किया उत्तर प्रदेश में और कैंप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डर दर्शाता है, एक बात जानिए आप। रही बात ये कह रहे हैं साहब, मैं कह रहा हूं अभी पश्चिम में रथ चलना बाकी है, वहां चलेगा तो किसको लाओगे? आपने बड़े बड़े कैबिनेट उतार दिए थे, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। जो हमारी रणनीति है और जो हमारी सोच है इस जनता को फायदा पहुंचाने की और जनता की लड़ाई के लिए, वो लगातार हम लड़ रहे हैं। लेकिन सर, जब आप कहते हैं कि साहब जनता हमारे साथ है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, और जब आप अपने MY को ये कहते हैं कि साहब ये MY मुस्लिम और यादव नहीं, ये तो महिला और यूथ है, तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप में फिर खुद अपने बूते पर सत्ता हासिल करने की ताकत क्यों नहीं है, फिर आपको क्यों गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है? इससे क्या आपकी कमजोरी नहीं दिखती है? देखिए देखिए रोमाना जी, एक बात, गठबंधन करने का मतलब कमजोरी नहीं होता है। गठबंधन करने का मतलब जो शख्स लड़ाई लड़ रहा है दलित वंचित और शोषित समाज का, उसको साथ लेना। हम यूनिटी और इत्तेहाद की बात करते हैं, हम यूनाइट कर रहे हैं लोगों को। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास इतना ही है आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश का ये गठजोड़ क्या उत्तर प्रदेश में बन पाएगा योगी का तोड़। ABP News, आपको रखे आगे।